क्या हो? पटाखा? अनार था वो। मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस पर। देखो हाई टेंशन नहीं है। ओह माय गॉड, पागल लोग हैं। लुक, हम लोग ये कौन से समय है? किंजल हैवन है ना? बाजार जाने के लिए रास्ता है। पार्किंग ना कुछ ना कुछ तो मैं तो दूर से ही एरिया देख के हाथ जोड़ ली हूँ, तो वो एकदम तार देख के तक ले ली। मुंबई में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कार पार्क। कारण ये कि उसके रोड डे टू डे का हासिल होता है। तो वो तो पिकॉक में भी नहीं था तुम्हारी? नहीं, बाहर एक तो था, ओपन पार्क था, एक सिंगल था। जो पुरानी बिल्डिंगों में आप जाओगे, फेडरल रोड में कैंप नहीं, कैंप सोना नहीं जाओगे, तो पुरानी बिल्डिंगों में सिर्फ एक ही कार पार्क हो। पहले एक ही कार लग्जरी हुआ करती थी, अभी क्या है, कार लग्जरी नहीं है, कार नेसेसिटी हो गई। अभी एक परिवार में दो कार है। अब तुम्हारा आकृति इको सिटी में जो है ना, हर परिवार में दो तीन तीन कारें हैं, पूरी गेस्ट पार्किंग भरी हुई है। ये मॉल यहाँ बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलता है, देखता है तुम्हें? नहीं अभी, बहुत अच्छा है। जैसे स्टाफ को उसने इसका नाम मॉल रख लिया कि मॉल ही है वो? उसने इसका नाम मॉल रख लिया क्या? वो मॉल बोलता है। अपन लोग जाम में थोड़ी फंसेंगे, अपन तो पैदल है। अपन दोनों के दो दो पैर ना, फोर व्हीलर नहीं हुए अपन। फोर व्हीलर गए कंदिल ले लो। जो तुम्हें जो तुमको दो चार ही लाइट है। Thank you.
मेरे डॉगी है। कहाँ चलना है? वापस बैक आओ, तरफ चलते हैं वहाँ। तुमने मतलब ये एरिया एक्सप्लोर नहीं किया था? हाँ भाई, पर ये अच्छा दिख रहा है। आओ, वो चाइनीज टाइप में दिख रहे हैं, वो चीन दिवाली मनाता भैया, सारा सामान भर देता बाजार में चाइना। दिवाली चीन की होती है, अपनी नहीं होती है। कंदील लाइट वगैरह उस तरफ दिख रहा है बाबू, उस तरफ दिख रहा है ना कंदील लाइट। ये तो दो चार ही शॉप दिख रही है यार, यहाँ तो शॉप है ही नहीं। क्राफ्ट मार्केट ही जाना चाहिए था हम लोग। एक दो चार ही लाइट है, जगह ही बंद हो गई है, दो चार लाइट हो गई यहाँ। अच्छा, यहाँ तो बाजार ही नहीं। हाँ, आओ चलना हो तो चल भी सकते हैं अभी, पता? अभी क्रॉफर्ड रात को बहुत लेट हो गया है। क्या होगा, 9:15 बज गया है, रात को चलता है। बहुत गर्मी है, हम टैक्सी काली पीली से तो नहीं जाएंगे यार। ₹10 है, खुला तो नहीं होगा मेरे पास, खुला है आपके भैया। ₹10 फोन से पे कर दूँ? नहीं नहीं, है तो तुम्हारे पास ₹200 तो थोड़ा ज़्यादा ले लो ना। इतना क्या करूँ, वापस से पटक लेता हूँ। और क्या क्या है भैया आप पे? बड़ा ले लो बड़ा। हाँ ये दे दो। तो ये कितने का है? बस तो ₹20 हो गए। और कुछ दो ना, अगरबत्ती दो, अच्छी वाली है अगरबत्ती। अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ती तो सबको वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, चंदन वाला हो तो अच्छा ले लो। ये तो चंदन वाला अच्छा क्वालिटी, सैंडल वाला अच्छा हो तो। और क्या है आपके पास? हम कुछ काफी दे दूंगी।
चलो दिखा दो कहाँ तुम्हारा ऊपर दुकान तुम्हारे गिफ्ट आइटम बताओगे क्या बोरोसिल के तुम उस दिन बता रहे हो ये कितने का दोगे दो पीस मिलेगा। दिखाओ क्या चीज है अंदर। टिफिन। मॉल का रास्ता है ये, भारती खोजी है मॉल। बता ले लो। ओह माय गॉड गर्मी बहुत है यहाँ तो। अच्छा यहाँ तो एसी अच्छा है। कहाँ से निकल रहा है जाना बाहर कहाँ से यहाँ से देखा देखा इतनी कस्टोफोबिक जगह में घबराहट छुटती है। अच्छा सामान है, प्रॉपर्ली पूरी है। ये डिस्काउंट में खास के अच्छा आइटम है, बोरोसिल का भी डिस्काउंट होगा। हां देखो आप चलिए एक बार देख लो। देख ले आप अच्छा रहेगा। मैं तो देख चुकी हूं भैया। कितनी अच्छी बात कल बोल रहा सेपियंस से वो कि पहले के लोग जो है ना दान पुण्य के बारे में इतना जोर से डालते थे कि धन एक आदमी के पास संग्रहित हो गया ना तो बाकी सभी जनता वंचित रह जाएगी। उसके पीछे कारण ये था कि धन बहुत लिमिटेड था, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, तो एक आदमी एक्युमुलेट कर लेगा तो बाकी सब लोगों के साथ में वो बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि कचौड़ी सेम साइज़ की थी वो, है ना। लेकिन अभी लोग हर साल अमीर हो रहे हैं और बाकी लोगों के पर इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसके पीछे कारण ये कि अभी जो है अभी कचौड़ी का साइज़ बड़ा हो गया, अभी नई नई चीज़ें आ गई सामने ना। इकोनॉमी में अभी सिर्फ खेती नहीं रहेगी, सब बहुत कुछ चीज़ें आ गई नई नई। तो उसने बहुत अच्छी बात बोली कल, उसने कहा कि इसलिए है ना जो पुराने कॉन्सेप्ट थे कि दान कर दो सब कर दो, अब वो उतने रिलेवेंट नहीं रह गया क्योंकि अब वो आप करो ना करो दूसरा खड़ा कर लेगा अपना। कहते हैं इसने कहा कि पूरी इकोनॉमी जो है ना अब सब कुछ बदला है ना, क्रेडिट आधारित इकोनॉमी बदला है, साख जिसे क्रेडिट बोलते हैं ना। किंजल और किंजल भी अच्छी बिल्डिंग है ना। हाँ